वेलकम टू मेरा ओपिनियन। मेरा ओपिनियन में आज हम टॉपिक रखे हैं सोनिया गांधी जी के 5 सजेशन जो उन्होंने पीएम मोदी जी को दिए हैं। सबसे पहले कंप्लीट बैन ऑन मीडिया एड्स। उन्होंने ये सजेशन दिया है कि जितने भी टेलीविजन एड्स आते हैं या प्रिंट या ऑनलाइन एड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और PSU की तरफ से, उन्हें 2 साल तक बंद कर दें एक्सेप्ट हेल्थ एडवाइजर्स। इससे बहुत सारा पैसा बच सकता है गवर्नमेंट के पास। दूसरे ने कहा कि सस्पेंड करें सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को। 20,000 करोड़ जो प्रोजेक्ट जो अर्जेंट नहीं है वो सारा इस्तेमाल हो सकता है हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्नोस्टिक्स पे और PPE किट्स पे। तीसरा सजेशन ये है कि 30% कट करें एक्सपेंडिचर बजट को। इससे ये हो सकता है कि ये 2.5 लाख करोड़ रुपए आप एलोकेट कर सकते हैं इकोनॉमिक सेफ्टी नेट फॉर माइग्रेंट्स लेबर्स एंड फार्मर्स। और चौथा सजेशन है कि स्टॉप ऑल फॉरेन विजिट्स। 393 करोड़ इस्तेमाल हो रहे हैं PM और कैबिनेट के ट्रिप्स में लास्ट 5 ईयर से। ये सारा पैसा इस्तेमाल हो सकता है COVID-19 को फाइट करने के लिए। पांचवा सजेशन ये है कि जितना भी अमाउंट PM केयर्स रिलीफ फंड को आ रहा है उसे नेशनल रिलीफ फंड में डाल दें। ऐसा करने से एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है, ये 5 सजेशन जो सोनिया गांधी जी ने दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं या कुछ और पॉइंट्स उन्होंने भी छोड़ दिए? और आपको क्या लगता है कि ये पॉइंट्स मोदी जी अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं? हमारे इस एक्सक्लूसिव शो मेरा ओपिनियन में आप अपने ओपिनियन को डालें। टॉप ओपिनियंस को हम हमारे अगले वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट योर ओपिनियन इन आवर ब्रांड न्यू शो मेरा ओपिनियन।